इस वक्त हम मौजूद हैं मोहनजोदड़ो में, जहाँ पर कदीमी आसार आपको नज़र आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, यहाँ पे पुरानी यादें वाबस्ता हैं। जैसे हम आज की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज से हज़ारों साल पहले भी लोग इसी तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। यहाँ पे बाकायदा एक वाशरूम बना हुआ है, बाकायदा कचरा फेंकने की जगह बनी हुई है, बाकायदा एक पानी का कुआं बना हुआ है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, कुएं से लोग पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते थे, कपड़े धोने के लिए या नहाने वगैरह के लिए। तो जैसे हम आज की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आज से हज़ारों साल पहले भी इंसान इसी तरह की ज़िंदगी बसर करता था। और यहाँ पर आपको ये भी नज़र आ सक, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये एक शहर था, मुकम्मल एक शहर था, जिसको खुदा जाने, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई आफत आई थी, कोई मिट्टी का तूफान आया था, जिसकी वजह से ये शहर दब गया। लेकिन आज भी हज़ारों साल के बाद भी इस शहर के आसार उसी तरह नमूदार हो रहे हैं। वाजिया तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर खुफिया रास्ता है, जिसको हम अंडरग्राउंड कहते हैं। आज यहाँ पर उस ज़माने भी में भी एक खुफिया रास्ता था। उसके बाद यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाया गया है, स्विमिंग पूल आज के स्विमिंग पूल की तरह, लेकिन इतना थोड़ा सा डिफरेंट आया है आजकल के स्विमिंग पूल में कि शावर्स लग गए। तो उस दौर में शावर्स नहीं थे, पानी खुद भर के उसको रोका जाता था और फिर उसमें स्विमिंग की जाती थी। यहाँ पे हमराज न्यूज़ ब्यूरो चीफ लाड़काना सईद वगैरह मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो आसार कदीमा के हवाले से हमें क्या मालूम फराहम करते हैं। जी, ये पाँच हज़ार साल पुरानी ये एक उल्टा हुआ ये शहर है, मिट्टी का तूफ़ान आया था, जिसमें ये मुकम्मल तौर पे ये शहर मिट्टी के तूफ़ान से ये मिट्टी में ढक गया था। और काफ़ी पुरानी ये तहजीब है, पूरी वर्ल्ड में इसकी जो मोहनजोदड़ो के जो हैं आसार कदीमा वो मशहूर हैं। तकरीबन यहाँ पे जो हैं अमेरिका, बरतानिया, काफ़ी ममालिक से यहाँ लोग आते हैं मोहनजोदड़ो देखने कि मोहनजोदड़ो के ये आसार हैं वो कैसे हैं। पहले मोहनजोदड़ो जो था वो किसी और पोजीशन में था, कोई और इसकी लोकेशन थी, कोई और इसका लुक था। जिस तरीके से ये मोहनजोदड़ो है वो उसका जो खूबसूरत मंज़र था। अभी उसके बाद जब ईद आती है या ऐसे ख़ास दिन आते हैं, वहाँ पे यहाँ रश हो जाता है, लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ा लेते हैं, यहाँ दीवारों को नुकसान पहुँचाते हैं। फिर आगे चल के ये बातें मीडिया पर आ गई, उसके बाद जो है यहाँ की इंतज़ामिया हरकत में आ गई और इसको जो है सिक्योर कर लिया और बोर्ड लगा लिए कि यहाँ दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। ये जो चीज़ है ये हमारे लाड़काना में, आपने 20 रुपए के नोट के पीछे इसका पिक्चर देखी होगी, ये हमारे लाड़काना के 28 किलोमीटर दूर ये हमारे लाड़काना में ये जगह है मोहनजोदड़ो। अभी इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ जो है सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी किया गया है और बाकी जो बची खुची आसार कदीमा है उसको जो है बचाया जा रहा है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ की जो खस्ता हाली है उसकी क्या वजह है? खस्ता हाली इसमें इंतज़ामिया की गफलत भी कह सकते हैं, ताकि इंतज़ामिया जो है इसको बरवक्त जो है इंतज़ामिया इसको संभाल नहीं सकी। जब ये चीज़ें होती हैं तो उसके बाद जो है मीडिया पे आ जाता है, तो फिर ये इंतज़ामिया वाले एक्शन उठा लेते हैं। आप ये तो अभी सुबह का टाइम है, हम पहुँचे यहाँ पे इतना रश नहीं है, लेकिन ये 11-12 बजे के बाद यहाँ पे रश हो जाता है, खास करके छुट्टी के दिन यहाँ पे रश हो जाता है। तो उस दिन जो है ना, जब रश ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ दीवारों पर लोग चढ़ जाते हैं, पिक्चर बनाने के हिसाब से या वीडियो बनाने के हिसाब से किसी दीवार का ख्याल नहीं करते और यहाँ जो है ना आसार कदीमा को नुकसान पहुँचता है। सब आप यहाँ के मुकामी रहायशी हैं, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो के जो आसार कदीमा हैं वो इसी तरह हैं या कुछ आसार मिट गए हैं? बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहली बात यह है कि सदियों से लेके हम यहाँ रह भी रहे हैं, हमें जहाँ तक इल्म है हज़ारों साल पुरानी ये आसार मोहनजोदड़ो। लेकिन देखा जाए कि यहाँ मोहनजोदड़ो में खुदाई भी इन्होंने की, लेकिन मोहनजोदड़ो की जो हालात है वो दिन ब दिन बहुत एक खस्ता हाल में, और इसी में कोई काम वगैरह नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही कि इसी के साथ और ये आसार कदीमा भी है
और इसी में बहुत कुछ चीज़ें जामशोरों में भी नज़र आएंगी आपको। और यहाँ मोहनजोदड़ो एक म्यूज़ियम बना हुआ है, वो पुराने दौर की वही चीज़ें यहाँ भी आपको नज़र आएंगी। लेकिन अगर हज़ारों साल की ये तहजीब और ये चीज़ भी यहाँ है, लेकिन आज इसकी खस्ता हाल हमें नज़र आ रही है और इसी में कोई काम वगैरह नहीं हो रहा है। हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसी जगहों पर जाएँ, हम लोग इंजॉय ज़रूर करें, ऐसी जगहों का लुत्फ़ ज़रूर उठाएँ, मगर सारे कदीमा को ख़राब ना करें। कैमरामैन इकबाल कोसो के साथ एस पतूल, हमराज़ न्यूज़, मंजोदेड़ो।